द्वारा नीमच शहर के विभिन्न स्थानों पर चालानी कार्यवाही करते हुए प्रेषक वाहन चालकों से 20,250 शमन शुल्क वसूला है और चालानी कार्यवाही के दौरान बिना मास्क वाले बाइक पर दो से अधिक व्यक्ति बैठे होने, हेलमेट ना लगाने, वाहनों के दस्तावेज ना दिखाने या दस्तावेज पूर्ण ना होने की दशा में चालानी कार्यवाही की गई। इसके तहत ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सूबेदार राम सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देशन में की जा रही है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने के साथ साथ मास्क लगाने की अपील भी की है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जिला नीमच के निर्देशानुसार यातायात पुलिस नीमच द्वारा मंदसौर रोड बस स्टैंड और वाहन चेकिंग की गई। जिन वाहनों के चालकों द्वारा मास्क नहीं लगाया गया है उनको मास्क लगाने की समझाइश दी गई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। मोटर व्हीकल एक्ट की चेकिंग के दौरान 65 चालान यातायात पुलिस द्वारा किए गए, जो विभिन्न कमियां थी। कुछ दिन सवारी बैठाकर जा रहा था, इस प्रकार की कमियों में 62 चालान किए गए हैं और 20,250 रुपया समन शुल्क वसूल किया गया। इस चेकिंग का उद्देश्य केवल ये है कि जो व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहे हैं वो मास्क लगाए, उनको समझाइश दी जाती है और इस कोरोना महामारी से वे स्वयं सुरक्षित रहें, उनका परिवार सुरक्षित रहें, समाज सुरक्षित रहे, ऐसे प्रयास यातायात पुलिस द्वारा प्रतिदिन चेकिंग के दौरान किए जा रहे हैं।